हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज दूसरे दिन भी जनसंवाद अभियान की शुरुआत करेंगे। डबली विधानसभा के गांव चोरमार खेड़ा में आज दिन भर हरियाणा के मुख्यमंत्री यहां जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सीएम के कार्यक्रम से पहले तस्वीरें आपको दिखा दें कि यहां अब जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से मुकम्मल कर ली गई हैं। 11 जो ये नींव पत्थर हैं इनका जो हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास किया जाएगा। अब से थोड़ी देर बाद ही हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे और लोगों से सीधा सीधा जनसंवाद करेंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे और समस्याओं का कहीं ना कहीं मौके पर निपटारा करते हुए भी दिखाई देंगे। तस्वीरें आपको सिरसा की दिखा रहे हैं कि लोगों के यहां आने का सिलसिला जारी है। पुलिस विभाग भी पूरी तरह से यहां तैयार दिखाई दे रहा है ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो सके। हालांकि आज दिन भर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 3 गाँवों का दौरा करेंगे। सबसे पहले गाँव चोरमार खेड़ा है जहां जनसंवाद अभियान की शुरुआत अब से थोड़ी देर बाद करेंगे और उसके बाद गांव डबवाली जो डबवाली विधानसभा के अंतर्गत आता है और देर शाम गांव जो है वो डबवाली का अबूब शहर बताया जा रहा है, जहां देर शाम हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचेंगे और जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री इन दिनों पूरी तरह से एक्टिव मोड और एक्शन मोड पर दिखाई दे रहे हैं। कल भी सिरसा में एक पटवारी को शिकायत मिलने के बाद सस्पेंड किया गया था और साफ तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा अपने अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि अगर किसी भी अधिकारी की लापरवाही देखने को मिलेगी तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा। किसी भी अधिकारी की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और सुरक्षा की बात की जाए तो पुलिस ने सीएम के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस के अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो सके। और आपको बता दें कि कल भी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रानिया विधानसभा के 3 गांवों का दौरा करेंगे और जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया।